चीनी से हो जाता है तंबाकू जैसा नशा। जी हाँ, भारत में दंत स्वास्थ्य का परिदृश्य काफी चिंताजनक है और चीनी युक्त पेय पदार्थ तथा जंक फूड का अत्यधिक सेवन स्थिति को और खराब बना रहा है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि चीनी के ज्यादा सेवन की आदत नशे का रूप ले रही है और इसके कारण दांतों में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एम्स में दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर ओपी खरबंदा ने मीडिया को बताया कि देश की 80 से 90 फीसदी आबादी को मसूड़ों से संबंधी हल्की फुल्की समस्या है, 7 फीसदी को मध्य दर्जे का जिनजॉइंटिस है और करीब 50 फीसदी आबादी दांतों से संबंधी छोटी मोटी समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने बताया कि शीतल पेय और जंक फूड जिनमें चीनी की मात्रा काफी होती है, उनके सेवन से लोगों को अनजाने में ही चीनी का नशा हो जाता है, वे इसके लिए बेचैन हो जाते हैं और आखिरकार इससे उनका दंत स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। ये नशा तंबाकू के नशे के समान हो सकता है, इसलिए ये मुद्दा काफी चिंताजनक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे कैंसर को रोकने के लिए तंबाकू उत्पादों पर रोक लगाई जा रही है, वैसे ही शुगर के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए सरकार को ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाना चाहिए ताकि इनके उपयोग को कम किया जा सके। 10,000 लोगों की मौत शुगर मिक्स ड्रिंक्स के कारण होती है। भारत में भी हर साल 1.84 लाख लोगों की मौत इस वजह से होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स के शुगर से दुनिया भर में इनमें से 1.33 लाख लोग डायबिटीज के शिकार होते हैं। साश टीवी की खास रिपोर्ट।